हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का एक चिकन केंद्र है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब, ये नवरात्रों से पहले एक बार लास्ट बढ़िया सा चिकन बना लिया जाए, तो आप सही चैनल पे आए हैं। ठीक है, एकदम ऐसे ट्यूनिंग करके पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि ऐसी चिकन रेसिपी ना आपने खाई होगी ना खिलाई होगी, मज़ा ना आए पैसा वापस। ठीक, कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, इससे पहले नवरात्रे आ जाएं, रेसिपी देख लीजिए। देखिए, इस रेसिपी के तीन भाग हैं और तीनों भाग बहुत अहम हैं। और सबसे पहला भाग जो है वो है मसाले का पेस्ट, ठीक है। दूसरा भाग जो है वो है चिकन, और तीसरा भाग जो है वो है रस्सा, ठीक है। मसाले के पेस्ट की शुरुआत जो है हो चुकी है। देखिए, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको शायद अभी नारियल उतना पसंद नहीं है, तो आप आधा कप नारियल भी ले सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन रंग एकदम लाइट ब्राउन टाइप, ठीक है जी, काला नहीं करना नारियल। ध्यान से देखिए इन मसालों को, यही बेस हैं। बेस सही तो डिश सही, ठीक है जी। कोकोनट जो है उसकी भुनाई चालू रहनी चाहिए जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। नटीनेस जो है, तिल हो, नारियल हो, फल्ली हो, और देखिए मज़े की बात यह है कि ये तीनों चीज़ हैदराबाद में यूज़ होती हैं, तिल, फल्ली, कोपरा। और जब तक ये तिल, फल्ली, कोपरा को भुना नहीं जाएगा, तब तक इसकी नटीनेस बाहर नहीं आएगी। और कुछ डिशेज में नटीनेस ही सब कुछ है। सब बता दिया मैंने। नारियल को ऐसे लाइट ब्राउन कर लिया, सुखा लिया, अब निकाल लेते हैं। नारियल की कंडीशन देख लीजिए बस, ध्यान से। ओए होए होए, नट्टी हो गई एकदम। अब जो है मसाले भून लेते हैं, ठीक है। ये गए मसाले, ब्यूटीफुल। मसाले भूनते समय नमक डालने से क्या होता है, एक तो उसका फ्लेवर लॉक हो जाता है, दूसरा भुनता अच्छा है, वो टेम्परेचर फर्स्ट क्लास हो जाता है उसका। ये लो जी, ठीक है जी। मसाले प्लस नारियल। एक चीट बताऊं, अगर आप नहीं करना चाहते ये भीगी हुई बेड़गी मिर्च का झंझट, तो आप इसको पीस लीजिए और थोड़ा सा पानी में देगी मिर्च जो अपना पाउडर है ना, वो मिला के डाल दीजिए, रंग आ जाएगा। लेकिन जो मज़ा इसका है ना, साफ कहना सुखी रहना साहब। अदरक लहसुन, ये लो जी अदरक, और ये लो जी लहसुन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लगभग 700 ग्राम चिकन है, ठीक है। तो 700 ग्राम चिकन के लिए तीन मीडियम प्याज या दो बड़े प्याज, मोर देन इनफ है। आधा प्याज पेस्ट में जाएगा और आधा प्याज चिकन में जाएगा। ऑयल, नमक वमक लगा हुआ था पैन में, कोई बात नहीं, नमक ही था। प्याज को ना ब्राउन नहीं करना ज़्यादा, ठीक है ना, स्वेट करना है सिर्फ। स्वेट मतलब प्याज का पसीना छुड़वाना है। प्याज का जब पानी निकल जाए, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए ना प्याज, तब अपना काम हो जाएगा। अपने को प्याज की जूसीनेस चाहिए और प्याज का गाढ़ापन चाहिए। ग्रेवी जो है वो गाढ़ी भी करनी है ना, मसाला गाढ़ा करना है, तो उसके लिए प्याज को इस्तेमाल करना है, और मिठास के लिए और जूसीनेस के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। सब बता दिया मैंने, है ना। वरना आप प्याज को तलते तलते कर देते ब्राउन, एक तो ग्रेवी का हो जाता रंग खराब, दूसरा जो है आपको गाढ़ापन नहीं मिलता, और फिर आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था प्याज को पका पका के हलवा नहीं बनाना, ठीक है। बस ये ध्यान से देखिए, इतना जो है बहुत है, देख रहे हैं आप। देखिए इसको आप मतलब बोल में भी डाल सकते हैं, मैं ट्रे में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको सामने सामने चीज़ें दिखती रहें और आपको याद रहे, ठीक है। बेसिकली इमली को सोक किया हुआ है, अगर नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा, थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये नहीं भी चलेगा कि रणवीर हमारे पास तो मिर्ची नहीं है, उसका मैंने बता दिया शॉर्टकट, देगी मिर्च जो है वो पानी में घोल लीजिए, और रणवीर हमारे पास तो इमली नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा विनेगर डाल लीजिए या लास्ट में थोड़ा नींबू डाल लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बहाना नहीं चलेगा। एक काम करो, इसको पेस्ट बना लीजिए प्लीज़। अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं रस्सा। रस्से के लिए चिकन, देखिए ये तो टंगड़ी है मेरे पास, ठीक है, लेकिन जो असल सुक्का बनता है ना, वो बनता है चिकन के छोटे छोटे टुकड़ों से, मतलब ब्रेस्ट के तीन टुकड़े और लेग के चार टुकड़े, कम से कम मीडियम साइज चिकन में, ठीक है। ब्यूटीफुल हो गया चिकन मैरिनेट। अब बड़ा पॉट लेते हैं और इस बड़े पॉट में डालते हैं, क्या है ना, चिकन जो है चलाने में मज़ा नहीं आता। फिर इसमें खड़े मसाले, लगभग सेम टू सेम खड़े मसाले जो डाले हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। ये लो जी गए मसाले। अब इससे पहले मसाले चटकें, डाल दीजिए चिकन, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा चिकन को लीजिए चला, चिकन को चलाने का मकसद क्या ना, थोड़ी हल्दी भुन जाए, थोड़ा सा अदरक लहसुन जो पड़ा है वो भुन जाएगा, थोड़ी हल्दी भुन जाएगी। चिकन को मैरिनेट करके छोड़ भी सकते हैं,
ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, आधा पौना घंटा भी छोड़ सकते हैं, और थोड़ा सा ही ऑप्शनल है, थोड़ा प्याज डाल देता हूँ मैं, साथ में भुन जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। ब्यूटीफुल। अभी ये गया पानी, पानी कम से कम इतना कि चिकन ढक जाए, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्या किया बेसिकली, हमने ये भरोसा रखा कि चिकन में जो हमने नमक डाला है वो इनफ है, अगर इनफ नहीं होगा हम बाद में सेट कर लेंगे, यहाँ पर नमक ज़्यादा मत करिएगा वरना पूरी डिश में नमक ज़्यादा हो जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे और आप कहेंगे। बेसिकली क्या है ना, कुछ लोग जो है चिकन को मसाले में पकाते हैं, आप चाहें तो चिकन को मसाले में भी पका सकते हैं, लेकिन चिकन सुक्के को जब भी आप मालवा में खाएंगे उसके साथ में जो रस्सा है ना वही उसका मज़ा है, या फिर अगर आप मैंगलोर में भी खाएंगे ना सुक्का तो उसके साथ में जो रस्सा मिलता है वो बहुत ज़रूरी है, तो रस्सा बनाना भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं चिकन को यहाँ पका रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या करता, जैसे अभी प्याज के साथ मसाला पकाऊंगा, उसी प्याज के साथ मसाला और चिकन साथ में पका के आपको बोलता हो गया चिकन सुक्का, लेकिन ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट रह जाता और मैं नहीं चाहता ये रहे। चलो जैसे चिकन पक गया उसको लेते हैं निकाल। अच्छा, अब एक ज़रूरी सूचना, अगर आप चिकन को सीधा मसाले में पका रहे हैं तो डेफिनेटली चिकन को छोटा काटिए, राइट, क्योंकि जब तक चिकन पकेगा मसाला ओवर कुक हो जाएगा, जब तक मसाला पकेगा चिकन ओवर कुक हो जाएगा, वो सब आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, चिकन मसाला साथ में पके, तो अगर मसाले में डायरेक्टली चिकन को पका रहे हैं तो फिर क्या करना है, छोटा काटना है। ठीक है, ये जो है 80% पका लिया मैंने, रबड़ नहीं बनाया। अभी देखिए क्या करना है, चिकन जब आप पका लेना 80-90%, ये वाला हिस्सा ऐसे ज़रूर काट दें, यूँ समझ लीजिए ये रबर बैंड होता है, रबर बैंड, अगर इसे नहीं काटेंगे तो ये चिकन को खींचता रहेगा, टेंडन बोलते हैं इसको हम लोग। ये तोड़ें भले ही ना, लेकिन तोड़ें भले ना लेकिन काट ज़रूर लें। अरे जो नकल है मैं वापस से स्टॉक में डाल देता हूँ, वेस्ट क्यों करना, ये लीजिए। ये कभी भी ड्रमस्टिक अगर करें ना तो उसके साइड वाला ये रबर बैंड या जिसे हम लोग टेंडन बोलते हैं, हड्डी को मांस के साथ जोड़ने वाला एक टाइट सा टिश्यू होता है जो कि खिंच जाता है पकने के बाद और पूरे मीट को या टेढ़ा या टाइट कर देता है, उसको काटना ज़रूरी है। ठीक है, वो पेस्ट हो गया क्या, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए बढ़िया सा रंग आया, ये देखिए ध्यान से। हाँ, पहले तो पेस्ट को डालना है इस तर्री में और इसको पकने देना है धीरे धीरे। ठीक है जी, ये पकता रहेगा, रस्सा बन जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे अपना बनना है एक्चुअल चिकन सुक्का। देखिए ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालें ना तो फिर ढेर सारा डालिएगा। ये गया जी प्याज, याद है ना 50-50% पहले और 50% बाद में। अब यहाँ पर मैं एक रंग के लिए जुगाड़ करूँगा, जो मैं हमेशा करता हूँ वो है रंग वाली मिर्च का जुगाड़, और ये अपना पेस्ट। ब्यूटीफुल पेस्ट, बहुत बढ़िया बना है, मज़े का बना है। पहले तो पेस्ट को ऐसे ही भूनना है, हल्का सा नीचे लगाते हुए धीरे धीरे भूनना। क्यों है, ताकि मसाले और नारियल की खुशबू जो है वो उठ के आए, और जब आपको मसाले की नारियल की खुशबू उठ के आने लगे और आपको लगे कि भाई मिर्च जो है वो जल जाएगी, फटाफट से पानी ढूंढें और पानी डाल लें। भैया खुशबू तो ऐसी वाकई बम आ रही है, जो सूंघ रहा होगा ना बगल में वो भी आ जाएगा, है ना, बढ़िया लग रहा है ना कि मामला एकदम बढ़िया वाला गंभीर हो गया है। अगर खाना चूल्हे पे हो और चेहरे पे मुस्कुराहट हो इसका मतलब सब ठीक है, वैसे भी लाइफ को और खाने को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, वरना कभी टेस्टी नहीं बनती ना लाइफ ना खाना। जिंदगी और खाने में स्वाद लाने के लिए हंसते खेलते रहें और हंसते खेलते खाना बनाएं। ठीक है जी, किचन लेसन्स आर लाइफ लेसन्स। एनीवेज, आप चाहें तो चिकन स्टॉक डाल सकते हैं, पानी डालना ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी रस्सा बनाया हुआ है ना, तो वो मिला सकते हैं आप, नमक फर्स्ट क्लास। ये लीजिए जो रस्सा है ना वही डाल देते हैं थोड़ा सा, ताकि ग्रेवी को घुलने बंधने का मौका मिल जाए। लेकिन मैं बारी बारी बोल रहा हूँ कि जो मज़ा है वो छोटे कट में, चिकन सुखे का मतलब छोटे छोटे कट चिकन के और मसाला ऐसे लिपटा हुआ। हमारे पास टंगड़ी थी तो हमने कहा चलिए आपको दिखा देते हैं बढ़िया सी टंगड़ी में, दूसरा टंगड़ी का क्या ना फोटो अच्छी खींचती है, थोड़ी फोटोजेनिक होती है ना टंगड़ी, और दुख की बात यह है कि आप फोटो देख के फिर आते हैं, ऐसे अगर मैं बोल दूँगा चिकन सूखा और वहाँ पे अपनी शक्ल डाल दूँ कोई नहीं आएगा, तो फोटो के लिए टंगड़ी यूज़ करनी पड़ती है। देख रहे हैं तर्री,
मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको छानने की जरूरत है, खड़े मसाले मसाले सब ले डाल लीजिए, सब स्वाद आएगा। लेकिन हम लखनऊ वाले ना, हम हर चीज में छन्नी डाल देते हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा नमक, आहा मजा आ गया, झनझनित हो गया एकदम। ये लो जी, इसको फिनिश करने के लिए धनिया, थोड़ा नींबू वगैरह डाल सकते हैं आप अगर आप चाहें। बाकी जरा यहाँ देखिए एकदम। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये ग्रेवी ख़त्म हो जाती है, जैसे अभी यहाँ पर और टोस्टेड कोकोनट डाल देते हैं, और नारियल जो टोस्ट हमने पहले करके रखा था ना, वो डाल देते हैं। उससे एक तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है, उससे दरदरा पर आ जाता है। लेकिन बहुत सब लोगों को नारियल नहीं पसंद होता है, ये वो, तो 50-50 है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नो प्रॉब्लम। इसको चॉप नहीं कर रहा मैं, ऐसे मिक्स कर रहा हूँ बस। वाह, ओह, मैंने ना थोड़ी चीटिंग करी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बता दूँ, थोड़ी सी शक्कर डाली मैंने। आप चाहें सूखे का जो मसाला है ना, उसमें थोड़ा गुड़ डाल सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। क्या है वो मराठी में कहते हैं, झनझनित, झनझनित हो गया तन मन, है? एक काम करिए, झनझनित हो जाइए आप भी। और चाहिए कुछ भी नहीं, सब कुछ घर पे है अवेलेबल, बनाएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मुझे झेलने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।